सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इन्हें ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। शुरू करते हैं इन्हें ब्लॉग का। आप सुबह की राम राम, जय बजरंग बली, जय माता दी। और ये देखिए मेरा तिलक इतना काटा लगा हुआ है, रात मंदिर गया था तो अब तक भी है, नहा धो के तैयार हो गया मैं, फिर भी देख लो। और हमारा बाबू देख रहा टुकड़े 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 देख टकाटक टुकड़े 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 देख टकाटक बेटी। लगाया बेटा सोना, लड्डू मेरे पेड़ा। चलो चलते ऑफिस, लो जल्दी बैग पकड़ो, बैग लो, चलो ऑफिस जल्दी जल्दी चलो ऑफिस। आप कहीं जा गए, आप भी तो जाया करोगे फिर ऑफिस, है ना। चलो, ओहो जबाई ले रहा, चलो बाय बाय। और वीडियो बना लियो दिन में, बाय। धुंधारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धुंधारी। बस अभी चलते हैं गाइस। आज तो ना अथर के बहुत सारे कपड़े हो रहे, पूरी बाल्टी भर गई। देखो धूल तो मैंने दिए, बस अब पानी में निकाल के ड्राई करने। एक लोई थी और ये पहनने ही कपड़े हैं बहुत सारे, बस अंदर ही बैठ के धुल दिए मैंने, क्योंकि अथर को यहीं पे निलाया था ना, तो यहीं पे इसके कपड़े भी धुल दिए साथ के साथ। तो गाइस दोपहर के बजे है 12 और मैंने पता आज अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता खाली चाय तक भी नहीं पी, क्योंकि आज पहले मैंने पूरा काम ख़त्म किया, कमरे की सफाई, अथर को नहलाना, कपड़े धुलने, खुद नहाना। तो गाइस मैंने पूरे में क्लीन कर दिया है, दिखाती हूँ। देखो पूरे में क्लीन कर दिया है और बेडशीट भी डाल दिया है दोबारा से झाड़ के। और ये जो अथर के कपड़े थे ना, ये दो दिन से यहीं लग रहे हैं, आज मैं थोड़ी देर धूप में ले कर जाऊँगी। नहाने का पानी मैंने रख ही दिया था, पानी मेरा होने लग रहा, बस अब उतार लूँगी। धूप निकल गई नीचे से, पता चल रहा देखो जाल में को अच्छी निकल गई। तो गाइज मैं भी नहा के धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, धूप सेकने के लिए जाऊंगी, पहले नहाऊंगी फिर नाश्ता करूंगी फिर ऊपर जाऊंगी। तो गाइज नहा के मैं आ गई हूँ, अब मैं करूंगी नाश्ता। तो ठीक है गाइज चलते हैं रसोई में, लेकर आते हैं नाश्ता। तो गाइज मैं रसोई में आ गई हूँ और मैंने चाय पन्नी रख दी है, लगी चाय उनका रेडी हो गया और मैंने चाय को छलनी कर लिया है, मम्मी पापा को देने के लिए जा रही, पहले मम्मी पापा को दे के आऊँगी फिर नाश्ता करूँगी। आज गाइज कंबल ना धूप में डाल लूँगी, कंबल बहुत दिनों से धूप में नहीं डाला, तो आज अच्छी धूप निकल ली तो कंबल को धूप में डालते हैं। गाइज धूप में बैठने के लिए चलते हैं। तारीख रख दी, 22 तारीख में लगाई थी ना, तो अब उतार दिए, भैया की शादी में लगाएंगे। गाइज छत पर आ गई हूँ, आज तो धुलने के ना बहुत सारे कपड़े उड़े, देखो पूरी छत भरी पड़ी कपड़े कपड़े की, देखो इधर भी इधर भी, जगह भी नहीं है पूरी छत पर। आज देखना अथर को गर्मी लगने लगी और सोल के अंदर कैसे खेल रहा। सोने की मोमा कहाँ है मेरे बेबू की मोमा, कहाँ है मेरे बेटे की मोमा, कहाँ है बताओ बताओ जल्दी, कहाँ है आपकी मोमा, कहाँ है। सोल के अंदर खेल रहा था धूम में। गर्मी लगने लगी अथर को, वाह मेरे बेबू, क्या हुआ सोने बेबी को, क्या हुआ। बस तो ज्यादा जबरदस्त धूप हो रही, बैठा भी नहीं जा रहा, ज्यादा गर्मी वाली धूप हो रही, जैसा गर्मी में लग रहा है जून के महीने में। आज रोई ने स्कूल गई थी, अरे देखो ये कह रही अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी अम्मा जी, वो करी रोई नमस्ते चाची को नहीं करते, अभी तो लगी पड़ी है। अच्छा यूनिफॉर्म पहन के नहीं गई, टाई टाई पहन के गई बस, कितना खुश हो रहा भैया देख के, बीच में आ गई स्कूल से। क्या खा रहे आप, ये पकड़ो पकड़ो रुई, क्या खा रहे गए थे स्कूल, गए थे और क्या खा रहे, वाला खजाना भैया याद कर रहा था बेटे आपको, अथर का मन नहीं लग रहा तेरे बगैर, परेशान हो रहा भैया याद कर रहा था। चलो भाई बहन का प्यार, आज पता नहीं कितने टाइम बाद रोई स्कूल गई। क्या आज ना ताऊ जी अर के लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, 2 फरवरी को ताऊ जी अर के लड्डू गोपाल जी आए थे, तो इसीलिए आज लड्डू गोपाल जी के बर्थडे पे वे कीर्तन करा रहे। तो गाइज 2:30 बजे से कीर्तन है, तो चलते हैं कीर्तन में। तो गाइज मैं कीर्तन के लिए रेडी हो लेती हूँ और फिर आपको जाके कीर्तन भी दिखाऊंगी, और लड्डू गोपाल जी जब केक कटिंग करेंगे तो वो भी दिखाऊंगी केक कटते हुए। तो ठीक है गाइज, तो गाइस ताऊ जी के घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा फाइनल लुक यही है, ग्रे वाली कुर्ती पहननी है ये और रेड वाला सोल उड्डा है, स्टोन नहीं उड्डा सोल उड्डा। तो ठीक है गाइस चलते हैं ताऊ जी के घर पर, जाकर मिलाते हैं सभी को। ठीक है गाइस चलते हैं हम ताऊ जी के यहाँ पर कीर्तन पे, दोनों जा रहे हैं मम्मी और मैं।
बारिश में बीच में ही आ गई थी, अथर्व ना रोने लगा था तो मैं इसे घर पर लेकर आ गई थी। फिर इसे दूध पिला के सुलाया, वरना रोता रोता रहा। मैं कोशिश करती रही कि चुप हो जा, अथर्व चुप नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं बीच में ही आ गई थी। फिर मेरा प्रसाद यहीं पर आया, मम्मी लेकर आई। दिखाती हूँ प्रसाद में क्या लेकर आई मम्मी। प्रसाद में ना मूँगफली लेकर आई मम्मी, ये नहीं है और भी है, बहुत सारी मूँगफली है, बस ये तो दिखाने के लिए ली मैंने हाथ में। और सुबह तिल कुट के लड्डू तो बन गए थे और मैं आलू की कचौरी बना रही हूँ, आप सब भी खा लो आके। और मेरी माँ बनाती थी भाई, सबकी माँ बनाती होगी, पर आज त्योहार के दिन माँ की याद आ रही है, वो बनाती थी। और एक और खास दिन है, वो मैं इसके पापा से पूछूंगी कौन सा खास दिन है, वो जब गोरा बाज आएगा सब तब पूछूंगी। चिट्टू और दीदी मम्मी को देख रहे मनते हुए, अरे हमारे लड्डू गोपाल जी की पूरी है, मतलब पूजा किया है गणेश जी की भी और लड्डू गोपाल जी की भी, पहले निकाल कर रही थी। चढ़े ओ चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो सब सुतवारी, कामना को पूरी करो जाओ बलहारी। देख कैसा देख रहा पूजा करते हुए बेटा, जाओ प्रभु जी हो प्रभु। आलू मिलो थोड़े से अपने पापा से भी पूछ ले जाके, आज क्या खास दिन है। आज के दिन मिस था। अरे भाई रे, उन्हें तो पूछ याद भी आया नहीं है। सोनी पूजा हो गई, सोना पूजा हो गए बाबू, सोनी सोनी चलो आपके पहले मत कर दो, बस वो करवाना मतलब थोड़ा सा हल्का सा टच। भगवान की तो यही कर देंगे बस, अगले गणेश चतुर्थी पे तो अपना आप खड़ा हो जाएगा खुद करेगा अगली बार तो की भी पहली है शामली